see the arrival of the First Lady, Madam Sabita Kobind, and the First Lady of South Africa, Dr. Tshepo Motsepe, who have arrived here at the saluting base, being greeted warmly by the Honorable Prime Minister. तो ये मनमोहक दृश्य हम आपको दिखाएंगे, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लगातार एफएम न्यूज पे के साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक शिल्पू भदौरिया, जिला सचिव इटावा, समाजवादी पार्टी। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होके उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक साबिर खान, पीके एसोसिएट्स, इंजीनियरिंग वर्क्स। सेल्फ एहतिशाम खान, कर्मा नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के परिवार की तरफ से 17वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर एम आई खान, कर्मा हॉस्पिटल दांदूपुर की ओर से राइट न्यूज के माध्यम से देश के 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर फरियाद अली की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से यशलोक नर्सिंग होम, धनोरा रोड, गजरोला, अमरोहा। मैं प्रदीप कुमार अग्रवाल, जिला अध्यक्ष अमरोहा, मिशन मोदी अभियान पीएम, सभी देशवासी व प्रशासनिक अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एसडीएस स्कूल की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, चेयरमैन नगर पंचायत धरिया बस्ती, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर समस्त क्षेत्र वासियों एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी टावा वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रुद्राक्ष बिल्डिंग मटेरियल, कृष्णापुरम कॉलोनी, इटावा। प्रोपराइटर संत प्रताप संत। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सईद खां, अध्यक्ष नगर पंचायत भबनान बस्ती। वैद्य कृष्ण मोहन तिवारी, आयुर्वेदाचार्य, चिलहिया सिद्धार्थ नगर की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश आज 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ उनकी पत्नी डॉक्टर शेपो मोसेपे गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर हैं। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हैं और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा उनके साथ उनकी पत्नी भी यहां पर मौजूद रहेंगी। शेपो मोसेपे गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर उनको आमंत्रित किया गया है। तो देश आज 17वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो इसके मौके पर ही राजपथ पर देश की सैन्य ताकत के साथ साथ देश की संस्कृति विकास की झलक देखने को मिलेगी और वहां पर तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी हैं। इस साल गणतंत्र दिवस परेड का समय लगभग 90 मिनट का रहने वाला है। तो मुख्य अतिथि के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर शेपो मोसेपे गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर है। Thank you.
तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें होती हैं, क्योंकि देश के राष्ट्र या जब गान उसका वादन होता है तो एक शरीर में एक अलग सी ऊर्जा की शुरुआत हो जाती है सर। एक रोमांच पैदा हो जाता है मन मस्तिष्क में, पूरे शरीर में एक गर्व महसूस करने वाला, जिसको बोलते हैं ना कि रोम रोम अपना जो है गौरवान्वित हो गया। देखिए विशेषताएं आप ये देखिए, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति आप देखिए, अगर गीत भी है राष्ट्र गान भी है कोई भी चीज हो उसकी धुन है, आप देखिए अपने आप में एक गौरवान्वित जो है महसूस करने वाला एक रोमांच पूरे शरीर में पैदा कर देता है। लोगों की भीड़ देख रहे सर कि मतलब लग रहा है कि अब इस भीड़ के साथ आप उनका उत्साह देखिए, जोश देखिए, ये अपने आप में दिखाता है इनकी निष्ठा, मतलब अटूट विश्वास हमारे देश के एक एक आदमी का हमारे अपने गणतंत्र में, हमारे अपने देश में, हमारे यहाँ की मान्यताओं में, परंपराओं में हमारा कितना विश्वास है। शायद ऐसा नज़ारा आपको कहीं और देखने के लिए बड़ा दुभर होता है, बड़ा मुश्किल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखिए, इतनी भीड़ है लेकिन कितनी डिसिप्लिन भीड़ है, आप किसी भी तरीके की अव्यवस्था यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, सब लोग अपने आप में व्यवस्थित हैं। कुछ ही देर में राजपथ पर जो परेड है वो शुरू होगी। तोप M777 अमेरिकन अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र 9 वज्र भी इस साल परेड में शामिल होगा। तो हाल ही में अमेरिका से M777 अमेरिकन अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र को खरीदा गया है, तो देश के लिए गौरव की बात है। स्वचालित वज्र प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया पहल का एक प्रतीक है, तो ये भी इस बार शामिल होगा। नैन्सी देखिए, जितने भी डिफेंस में हमारे जो भी इक्विपमेंट होते हैं, कोई नई अचीवमेंट होती है तो उनको यहाँ पे दिखाया जाता है, और ये किसी भी देश के लिए जो है परंपरा ये एक तरीके से होती है कि जो उसके डेवलपमेंट है, ताकि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि हम कितने उन्नत हैं टेक्नोलॉजी में, डिफेंस के मामलों में, और दुश्मनों को यह मैसेज दिया जा सके कि आप हमें कम समझने की कोशिश मत करिए, अगर आपने हमारे तरफ, हमारे गणतंत्र, हमारे देश के तरफ गंदी निगाहें डाली तो उसका जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सक्षम हैं। इसके साथ साथ सम्मानित करने के लिए अब राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं और सम्मान दिया जाएगा। जवान जो कि देश के लिए शहीद होते हैं बहुत महत्वपूर्ण है मिश्रा जी, क्योंकि देश के जवान, ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जिनके पति यहाँ पर होते हैं, ये तस्वीर जो सामने है एक ऐसे शख्स की, ऐसे जवान की है जिनके बारे में जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहले एक आतंकी के रूप में थे, फिर बदलाव आया, किस तरह से देश की सेना के साथ जुड़े, सरेंडर किया, देश की हित की बात की, बहुत बड़ा मैसेज है। क्योंकि उसके बाद आतंकियों से लड़ते हुए छह आतंकियों के बीच लड़ते हुए शहीद हुए हैं, उनके हमारे परिजन हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है। वाकई में हमने आपको बोला, हमारा राष्ट्र, हमारी सरकार, हमारा गणतंत्र हमेशा ऐसे वीरों के लिए कृतज्ञ रहता है जिसने कहीं पे भी कोई भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा, बदलाव, हम विश्वास करते हैं बदला लेने में नहीं, हम विश्वास करते हैं बदल देने में। आप इसका उदाहरण देखिए, जैसे अभी आपने भारतीय सेना के इन जवान के बारे में बताया, मैं आपको बोलता हूँ डाकू अंगुलीमाल का आप इतिहास देखिए, वो क्या थे, वो एक डकैत थे, हाँ बुरे कामों में लिप्त थे, लेकिन वो कितने बड़े संत बन गए। हाँ ये एक जीता जागता, जो मैंने आपको बोला ना कि हमारी जो हजारों साल की परंपराएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चली आ रही हैं, और इनके संवाहक कौन है, इनके संवाहक हमारा समाज है, महिलाएं हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, ये इस चीज़ का एक जीता जाता उदाहरण है कि एक आदमी पहले उसके जो है कर्म क्या थे, उसके बाद उन्होंने कैसे चेंज किया, और आज जो है अगर ये देखा जाए तो पूरे देश और दुनिया के सामने उनको अपने योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। कितने अशोक चक्र विजेता हैं शहीद नजीर वाणी, बताइए अशोक चक्र जैसा सम्मान उनको दिया जा रहा है। ऐसा हाल ही में 25 नवंबर 2018 को ही शहीद हुए हैं, और शोपियां में जो मुठभेड़ हुई थी, वाणी के सिर में गोली लगी थी शहीद जवान के, और बहुत अहम बात है, साल 2004 में ही सेना में भर्ती हुए थे। मनीष कुमार इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे, उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज, उनके साथ विंग कमांडर जीनो थॉमस थलसेना के ध्वज के साथ थे, स्क्वाड्रन लीडर अनुज डबराल नौसेना के ध्वज, और स्क्वाड्रन लीडर बी सुजॉय वायुसेना के ध्वज के साथ।
सेना में विशेष सेवा में एयर फोर्स कमांडिंग डेरी है रोमांच पहुंचता हुआ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की शानदार गणतंत्र दिवस परेड अब शुरू हो रही है। राजपथ स्वागत के लिए तैयार और इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व संभालने का गौरव मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री को प्राप्त हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के स्नातक रहे हैं। इन्होंने 1982 में मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन हासिल किया और बाद में इसकी कमान संभाली। आज की परेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री। Following the parade commander and coming up gradually from the city there is the parade signal command major परेड कमांडर के पीछे जीप में परेड के उप कमांडर मेजर जनरल राजपाल पूनिया हैं। मेजर जनरल पूनिया ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। जून 1984 में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस परेड के 2IC मेजर जनरल राजपाल पूनिया। रोमांच उत्साह और जोश बढ़ता हुआ। आज का दिन खिला हुआ गणतंत्र उत्सव को और भी खूबसूरत सुंदर बनाता हुआ। परेड के शुरू में ही वीरता और साहस किसे कहते हैं उसे जीता जागता देखिए। परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर और ऑनररी कैप्टन बाना सिंह सियाचिन के परमवीर, सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव टाइगर हिल के परमवीर, सूबेदार संजय कुमार करगिल युद्ध के एक और वीर, ये सभी परमवीर चक्र से सम्मानित हैं। ये वीर ये वो हैं जिनके पराक्रम ने दुश्मन के इरादों को धूल में मिला दिया। और अशोक चक्र से सम्मानित वीर योद्धा मेजर जनरल साइरस ए पिठावाला, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार, नायब सूबेदार चेरिंग उतुब गोविंद सिंह और श्री भूरेलाल। And following the gallantry award winners, the first contingent in the uniform of the erstwhile Gwalior Lancers is 61 Cavalry led by Major Apurva Dhabare. The motto, Ashvashakti Yashobal. तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, परेड की शुरुआत हो चुकी है। परेड में अशोक चक्र विजेता शामिल। आपको बता दें कि सम्मानित पहले किया गया है, उसके बाद इसकी परेड की शुरुआत हुई है। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सलामी लेते हुए। नैन्सी अभी आप ये देखिए, अभी अशोक गोविंद सिंह छतरपुर मध्य प्रदेश जो तमाम लेफ्टिनेंट हैं
मध्य प्रदेश से अलग अलग राज्यों से, वो पहले सेना के दस्ते पहले ये दिखाया गया कि सेना के ऐसे जवानों को सबसे आगे रखा गया है जिनको परमवीर चक्र वगैरह पुरस्कार मिले हैं, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत जबरदस्त रहा है विषम परिस्थितियों में भी, जब आदमी को या दुश्मन अपने आप को अजय समझता था। अश्वशक्ति यशोबल भी कहेंगे क्योंकि घोड़े पर सवार होकर भी निकलते हैं। हालांकि अभी जो है तस्वीरें जो चल रही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सलामी लेते हुए तमाम, देखिए यहाँ पे टैंक तो, की नाल को देखिए, सम्मान में, कृतज्ञता के लिए सम्मान में टैंक की नाल को झुका दिया जाता है। यह इस चीज का प्रतीक होता है, टैंक की मारक क्षमता खत्म हो जाती है जब वो अपने नाल को झुका देता है, तो सम्मान देने का यह एक तरीका होता है, कृतज्ञता प्रकट करने का यह तरीका होता है। टैंक T-19 भीष्म तो कैप्टन नवनीत एरिक इसकी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो भीष्म टैंक है T-90, इसको अपग्रेड करके जो है यहाँ पे भारत में ही इसको बदलती हुई जरूरतों, स्ट्रेटजिक और टैक्टिकल जो जरूरतें जो चेंज हो रही हैं, और उसके साथ एक कैम्परेटिव एनालिसिस आप करिए कि दुश्मन की जो बढ़ती हुई ताकतें हैं और जो एक कैम्परेटिव वे में नए चैलेंजेस हमारे सेना के लिए आ रहे थे डिफरेंट टेरेन में, उस हिसाब से इसको बनाया गया है। मैंने आपको पहले ही नैन्सी बोला कि शायद मिलिट्री साइंस एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे इनोवेशन या बदलाव बहुत जबरदस्त और बहुत तेजी से होता है, तो सेना के इक्विपमेंट को भी उसी हिसाब से बदलना पड़ता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहे। इन सब चीजों का ये उदाहरण है। आप देखिए 15 साल 20 साल पहले जो इक्विपमेंट थे वो कहीं ना कहीं से आउटडेटेड हो रहे हैं और उसकी जगह नए नए, वो चाहे फाइटर प्लेन हो, आप देखिए राफाल डील की बात चल रही है, टैंक में आप देखिए T-90 ये भीष्म टैंक आया, होविट्ज़र तोप की बातें देखिए, सरकार सदैव ही जो है डेडिकेटेड रहती है, पूरा गणतंत्र डेडिकेटेड रहता है जवानों के लिए कि उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए, उनको एम्युनेशन, आर्म एंड एम्युनेशन बेहतर से बेहतर दिए जाए। मैंने आपको नैन्सी बोला था कि देखिए कैप्टन मनीत गोयल हैं जो इसका नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इन सब इक्विपमेंट को प्रदर्शित करने के पीछे जो है तीन जो उद्देश्य है, सबसे पहले भारत जैसे विशाल देश में जहां 120 करोड़ लोगों की जनता रहती है उनके मन को यह जो है सुनिश्चित करना कि सुरक्षित हैं आप, ये हमारा गणतंत्र सुरक्षित है, ये ताकत है हमारी, ये ताकत है, गर्व महसूस करना कि हमारे पास ऐसी ताकत है, हम ताकत के मामले में भी दूसरे देशों से बहुत आगे हैं, आत्मनिर्भर हैं। दुश्मनों को यह एक चेतावनी देना, बिना युद्ध किए हुए चेतावनी देना कि अगर आपने युद्ध करने की जो है दुस्साहस किया तो आपको इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो देश की ये शक्ति है जो कि दिखाई दे रही है कि K-9 वज्र T-150 राजपथ पर अगला दस्ता, तो ये 777A2 अल्ट्रा लाइट होविट्ज़र का, तो जिसका हम जिक्र कर रहे थे सर अमेरिकन अल्ट्रा लाइट का, मैं आपको बताऊं अल्ट्रा लाइट एक ऐसा मल्टीपर्पज यहाँ पे जो है आप ये समझिए तोप है जिसकी एक्यूरेसी, जिसकी मारक क्षमता यानी रेंज और जो परास है, पहले जो देखिए बोफोर्स तोपों को रिप्लेस करने के लिए ये लाया गया है, उसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि एक तो वेट में ये बहुत हल्का है और इजी टू कैरी है कि कहीं पे भी तेजी से इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। निशाना लगाने में ये अचूक है, इन कंपैरिजन ऑफ पास्ट जितने भी तरीके की तोपे थी, और इसकी मारक क्षमता भी ज्यादा है, यानी जहां पे ये स्थित है वहां से कितने दूर तक इसका जो रेंज है, जो परास है, वो भी अपने आप में एक यूनिक है और यूनिक ग्लोबल लेवल पे यूनिक है, ऐसा नहीं कि केवल अपने उसमें है, अधिकतम जो रेंज है इसकी 30 किलोमीटर है। और ये अपने आप में एक बड़ी निर्णायक जो है बढ़त देती है सेना को वार फील्ड में, जब ये होता है आप सोचिए यहाँ से बैठ के 30 किलोमीटर दूर अगर दुश्मन के कोई टैंक है या कोई ऐसी आयुध सामग्री है या कोई उनका जो है आर्टिलरी वगैरह है तो आप उसको नष्ट कर सकते हैं, पहाड़ी इलाकों पे इसको बहुत आसानी से ले जाया जा सकता है, ठीक है। और जरूरत पड़ने पे तुरंत इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके वजन की बात की जाए तो 4.3 का टन रहता है। हाँ, इसके पहले जो थे वो बहुत हैवी थे, देखिए टैंक वगैरह को पहाड़ों पे उतने जल्दी नहीं ले जाया जा सकता है चाइना वगैरह इन सब के बॉर्डर को कवर करने के लिए, लेकिन इसको तुरंत ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक है। जितना ये इसका वजन है ये आप ये देखिए हवाई जहाज वगैरह से भी इसको, आकाश की जो अभी आप ये बात कर रही थी आप देखिए मिसाइल नहीं, अगर इसकी मारक क्षमता देखें आकाश मिसाइल की बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्वदेशी निर्मित है, भारत द्वारा निर्मित है। ये सारे के सारे DRDO के द्वारा ये जो है डेवलप किए गए हैं,
बात देखिए आयुध निर्माण में जो चीजें होती है, बात मारक क्षमता एक यूएसपी होता है। हाँ। सबसे ज्यादा होती है कि वो लिथलिटी उसकी देखी जाती है, एक्यूरेसी। आप ये देखिए इनका जो सटीक कितना निशाना हो, हाँ, निशाना लगाने की जो क्षमता है ना इनकी, वो बड़ी अचूक है कि जो टारगेट है वो टारगेट से भटकती नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जो दुश्मन के जो राडार सिस्टम है उनके पकड़ में ये सब जल्दी नहीं आते हैं। देखिए भारत तो मिसाइल के क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अग्रणी हो गया है। मैं आपको बताऊं, सूर्य वगैरह जो डेवलप हो रहे हैं, अग्नि 5000, दुनिया थर्रा गई थी अग्नि 5000 का जब हम लोगों ने जो है लॉन्च यहाँ पे किया था, सफलतापूर्वक जो है हम लोगों ने प्रक्षेपण किया था, जो टेस्ट किया था जी। पूरी दुनिया ने लोहा माना था और दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है हमारे जद में है, हमारी उसकी मारक क्षमता के जद में है। ये इसीलिए अग्नि को जो है स्ट्रेटजिक बोलते हैं। ये आकाश वगैरह जो है ये टैक्टिकल है, यानी छोटी दूरी पे एक लिमिटेड एरिया में टास्क को जो है जब अचीव करना होता है 25 किलोमीटर की दूरी तक। हाँ, अब देखिए ये क्या होता है, एक जो वार फील्ड होता है जब सेनाएं आगे पीछे होती हैं बॉर्डर के उस तरफ दूसरी सेना है, तो लगभग इतना ही डिस्टेंस होता है उनके टैंक वगैरह में। ठीक है, ये दृश्य भी दिखाते हैं। सुबेदार मेजर बलबीर सिंह ऑफ द सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर leading the combined band of the Sikh Light Infantry Mahar Regimental Center and Ladakh Scouts. They are playing the tune Shankhanad. The valiant Rajputana Rifles led by Major Aditya Pratap Singh of the 9th Battalion. The war cry of the regiment, Raja Ramchandra Ki Jai. लाल पगड़ी चुस्ती एवं फुर्ती के साथ आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता सिख रेजिमेंट की खालसाओं का है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं द्वितीय सिख रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के लेफ्टिनेंट भारती नंदा। रेजिमेंट की स्थापना शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की शेष सैनिक टुकड़ियों को मिलाकर सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वाधिक लाल पगड़ी में चुस्ती से आगे बढ़ता हुआ सिख रेजिमेंट का दस्ता कमान संभाली है लेफ्टिनेंट भारती नंदा ने। इस रेजिमेंट को कई अलंकरण मिले हैं, आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करूं, युद्ध घोष सत श्री अकाल। कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एवं सेंटर किरकी और एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता कमान संभाली है सुबेदार मेजर अंग्रेज सिंह ने और बैंड धुन बजा रहा है ध्रुव। ब्रिगेड का मार्चिंग दस्ता कमान संभाली है कैप्टन अभय शिराज सिंह संधू ने। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। तो युद्ध घोष जय मां काली आयो गोरखा। The next contingent is of the Army Service Corps, led by Lieutenant Kamala Kasturi of 508 Base. आकर्षक पोशाक में ये दस्ता सेना सेवा कोर का है, नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। आदर्श वाक्य सेवा अस्मातम धर्म, यानी सेवा हमारा धर्म। For
following the Army Service Corps marching contingent is a combined band of the Army Service Corps, Army Medical Corps and College and Corps of Military Police Center and School. Led by Subedar Major K. Ravi Kumar, the tune the band is playing, Arun Vaidya Mahavir. Is the last marching contingent of the Territorial Army, Punjab, led by Major Ashwini Bhuria of the 102 Infantry Battalion, Territorial Army, Punjab. तो जल थल वायु सेना की तमाम परेड जा रही है. फिलहाल वक्त छोटी सी ब्रेक के लिए. वैद्य कृष्ण मोहन तिवारी आयुर्वेदाचार्य चिलहिया सिद्धार्थ नगर की तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. 26 जनवरी के पावन पर्व पे समस्त छात्र छात्राओं एवं सभी अभिभावकों एवं कुशीनगर जनपद के सभी समस्त जनता एवं पूरे भारत देश के नागरिकों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. नगर पालिका परिषद कासगंज की ओर से समस्त नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं. निवेदक आरपी सिंह, जिलाधिकारी कासगंज. मैं डॉक्टर अरविंद गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. जय हिंद, जय भारत. नगर पंचायत दिलराम कासगंज की ओर से समस्त नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. निवेदक आरपी सिंह, जिलाधिकारी कासगंज. मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड उमरदा जनपद कन्नौज से सभी देशवासियों को 17वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. शिव सेवक विश्वकर्मा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा दिल्ली भारत की ओर से सभी जनपद वासियों देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं प्रियंक शर्मा, उप प्रबंधक अयोध्या प्रसाद विश्वकर्मा प्राइवेट आईटीआई अकोड़ी दुबे के समस्त स्टाफ व छात्रों की ओर से समस्त देशवासियों को 26 जनवरी व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. मैं निहाल सिंह, शासी अधिकारी नगर पालिका परिषद असमपुर, सभी शहरवासियों से ये अपील करता हूँ कि गणतंत्र दिवस के इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे हर्षोल्लास से मनाएं. मैं शादाब काटा, चेयरमैन पति नगर पालिका परिषद हसनपुर, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ. SDS स्कूल की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. क्षेत्रवासियों को 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाइयां देना चाहता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं. छब्बीस जनवरी 2019 के राष्ट्रीय त्यौहार पर मैं सभी नगरवासियों व क्षेत्रवासियों व देशवासियों को अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं. सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. निवेदक शिल्पू भदौरिया, जिला सचिव इटावा, समाजवादी पार्टी. नगर पालिका परिषद बलिया के तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. नगर को साफ सुंदर रखने में नगर पालिका परिषद का सहयोग करें. कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें. अध्यक्ष अजय कुमार, समाज सेवी अधिशासी अधिकारी दिनेश विश्वकर्मा.